हेलो फ्रेंड्स, हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है उनको एक शॉर्ट समरी दे देते हैं कि हमने शेयर एंड डिविडेंड्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने शेयर्स पढ़े, शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, मार्केट वैल्यू क्या होती है, जो हम शेयर्स जिस रेट पे हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारी मार्केट वैल्यू है, जो रेट पे कंपनी ने स्टार्टिंग में अपनी वैल्यू रखी थी शेयर्स की वो नॉमिनल वैल्यू होती है, और इसके तीन कंडीशन दिए हुए थे, एट पार, अबव पार, बिलो पार। देखिए, अगर आपको याद नहीं है, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एट पार का मतलब होता है कि जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर हो जाती है। और एक सेकेंड टर्म था अबव पार और एट अ प्रीमियम। मीन्स इसमें क्या होता है कि मार्केट वैल्यू हमेशा नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। एक थर्ड पार्ट था इसमें बिलो पार, जिसमें क्या होता है हमें डिस्काउंट रेट पे शेयर मिलते हैं, उसमें मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाती है। इसका मतलब कि वो कंपनी का, जिस कंपनी का शेयर है उसका शेयर का दाम कम हो गया है और कंपनी थोड़ा लॉस में जा रही है। हमने पढ़ा कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है, द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इज कॉल्ड अ डिविडेंड। ये बहुत ही आसान है, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और डिविडेंड हमेशा एक परसेंटेज वैल्यू में डिस्क्राइब किया जाता है, और कंपनी अपना डिविडेंड का वैल्यू खुद ही देती है कि उसको कितना परसेंट शेयर होल्डर को कमीशन देना है। और उसमें डिविडेंड क्या होता है कि डिविडेंड कभी भी मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है जो कंपनी ने अपनी ओरिजिनल फेस वैल्यू रखी थी। इसमें हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। अगर आपको याद नहीं है, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप इस समय जल्दी से समझ सकते हैं कि जो हमने कंपनी शेयर खरीदने में जो हमने पैसे लगाए हैं वो कितने लगाए हैं। उसके बहुत ईजी फॉर्मूले हैं, जैसे हमने कितना इन्वेस्ट किया मनी, अगर हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स पता है, उस शेयर की मार्केट वैल्यू पता है, तो हम सिंपली नंबर ऑफ़ शेयर्स बॉट इन टू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर से सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमने सम इन्वेस्ट किया है। अगर हमें पता है कि हमने कितना पैसा लगा दिया है और एक शेयर की वैल्यू पता है, तो हमने कितना शेयर खरीदा, जैसे आपने मान लीजिए 200 रुपये के शेयर खरीद लिया और एक शेयर की वैल्यू है 20 रुपीज़, तो आपने कितना शेयर खरीदा, सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 200/20, तो आपका 10 शेयर्स आपने खरीदा है। और इसको नंबर ऑफ शेयर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, टोटल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर ऑन डिविडेंड ऑन वन शेयर। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, टोटल इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर। तो ये आपको क्विकली रिकॉल करा रहे हैं कि क्या क्या आप पढ़ चुके हैं। एक थर्ड फार्मूला होता है, टोटल डिविडेंड अर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। मैं अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको पता है, आपको रेट ऑफ़ डिविडेंड पता है कि कंपनी कितना रेट ऑफ़ डिविडेंड दे रही है, और उस शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है, तो हम टोटल डिविडेंड हमको कितना कंपनी ने दिया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चौथा फार्मूला होता है, परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट। और इसको निकालने के लिए देखते हैं, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितना हमको रिटर्न मिल रहा है, तो सीधे इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी इनकम हुई है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और उस पर 100% आपका लग जाता है। फिर फॉर अ शेयर होल्डर, इनकम इज इक्वल टू रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो ये आपके सिंपल 5 फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होते हैं। फिर ये इसके बाद हमने थर्ड ए एक्सरसाइज की थी, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप मेल कर सकते हैं, आपके क्वेरी को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। अब इसके हम एक्सरसाइज थर्ड बी लगाने जा रहे हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है। By purchasing ₹25 gas share for ₹40 each, a man get 4% profit on his investment. What rate percent is the company paying? कितना interest rate company दे रही है? What is his dividend if he buys 60 shares? और अगर वो 60 shares खरीदता है तो company उसको कितना dividend देगी यहाँ पे? तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं कि हमें क्या क्या पता है इसमें। यहाँ पे हमें फेस वैल्यू पता है, हमें मार्केट वैल्यू पता है, हमें प्रॉफिट भी दिया है कि 4% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम और यहाँ पे लेकिन हमें रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया है कि रेट ऑफ कितने परसेंटेज पे वो हमें कंपनी पैसा देगी डिविडेंड के रूप में। तो पहले हम लिख लें कि हमें क्या क्या मिला है। तो हमारे पास है नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू ₹25, मार्केट वैल्यू ऑफ
ईच शेयर रुपीज 40, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने जितने रुपए उसने लगाए हैं उस पर 4% का प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें पहले देखना है कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम रेट ऑफ डिविडेंड इज X%। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीधे वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा है 4% है, 4% ऑफ मार्केट वैल्यू है 40 रुपीज़, 40 इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड हमने अज्यूम किया हुआ है X% है, तो X% इन ऑफ किसका है, नॉमिनल वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू है 25। तो सीधे सॉल्व करते हैं इसको, 4/100 इंटू 40 इक्वल टू X/100 इंटू 25। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 4 × 40 इज इक्वल टू 25x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4 × 40/25। इसको सॉल्व करेंगे, तो 160/20 इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करने पे, सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 6.4। तो यहाँ से हमें रेट ऑफ डिविडेंड आपको पता चल गया, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 6.4%। अब ये हमें पता चल गया, अब व्हाट इज़ द डिविडेंड इफ़ ही बाय 60 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे फेस वैल्यू ऑफ 60 शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ 60 शेयर्स इक्वल टू 60 × 25। इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे हमारा आएगा 1500 रुपीस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, आप खुद भी कैलकुलेट करिएगा, सीधे कॉपी मत करिएगा। डिविडेंड ऑन रुपीस 1500, तो कितना उसने कितना इन्वेस्ट किया था उस पर हमें डिविडेंड निकालना है, यहाँ पे 1500 इंटू 6.4 का हमने रेट ऑफ डिविडेंड निकाला है बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 इंटू 64 बाय 1000, एक जीरो बढ़ गया, पॉइंट हटाया था, इसको कैलकुलेट करने पे आपका आएगा 96 रुपीज़। तो हमारा आंसर आ गया, उसको डिविडेंड कितना मिलेगा, ही गेट्स ₹96 इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड इफ ही बायस 60 शेयर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।